हेलो स्टूडेंट्स, एडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं शैलेंद्र प्रकाश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और जितने हमारे नए स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हम लोग जैसे हम लोग UPMRC के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में UPMRC 2023 SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम के क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं उसी सीरीज में। तो जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट आपका 2023 में एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा गया था, जिसको आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल दोनों सब्जेक्ट्स में आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते भी हैं। हमने कहा मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, गतिशीलता और चालकता की बात की जा रही है कि दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं। ठीक है, क्या रिलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न में से किस इक्वेशन से ये दोनों आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट आपके, रिलेट करते हैं या संबंधित होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए थे स्टूडेंट, इसमें से आपको पहचानना था ठीक है कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, ये बात आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी थी। मुझे बात किसकी चल रही है, मोबिलिटी की, और दूसरा कौन है आप लोगों का, कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो मोबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, मैं जनरल अगर आपको समझाऊँ तो मूविंग एबिलिटी होता है किसी भी चार्ज कैरियर का, कि कोई चार्ज कैरियर कितना तेज या कितना धीरे चल रहा है, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा मोबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो जनरल जो मोबिलिटी को हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे करते हैं, म्यू से करते हैं। ऐसे ही कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का कंडक्टिंग एबिलिटी। ठीक है, कि कोई भी डिवाइस या कोई भी अगर मैं एलिमेंट या कोई भी मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो कितना आपकी क्या है, कंडक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, चालन करने की क्षमता को रखता है, वही हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसको जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी की अगर मैं बात भी करूं, यहां से अगर मैं जनरल फॉर्मूले मोबिलिटी के लिखता हूं तो क्या क्या होता है हमारे पास। पहला फॉर्मूला मैंने कहा कि E इंटू टॉ अपॉन एम, तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जेई लेवल के एग्जाम का है। मोबिलिटी किस किस पर डिपेंड करती है, तो चार्ज पर डिपेंड करती है, एवरेज लाइफ टाइम पर डिपेंड करती है, और आपके इफेक्टिव मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो आगे पहला फॉर्मूला। इसी तरह से अगला फॉर्मूला अगर मैं देखता हूँ, यहीं से अगर मैं देखता हूँ तो मोबिलिटी का कुछ ऐसे भी फॉर्मूला आता है, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, ये आता है वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया मोबिलिटी का। ये हमारी क्या होती है, अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ई आप लोगों का क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब देखें थर्ड टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट, हमें यूनिट अक्सर पूछता है। यूनिट पर बात करता हूं तो फिर हम लोग अगर यहां से देखते भी हैं, हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो यूनिट क्या आएगा आप लोगों का, मीटर पर सेकंड होता है। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। इस हिसाब से ओवरऑल अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो ये बन जाता है स्टूडेंट आपका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोबिलिटी से रिलेटेड अक्सर एग्जामिनेशन में रहता भी है, कि मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है। एक अब बात आती है दूसरी साइड में चलता हूं स्टूडेंट, कंडक्टिविटी की चालकता के लिए अब हम चलते हैं। कंडक्टिविटी को किस तरह से अगर हम यहां से देखें भी लेकर भी चलते हैं तो कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कंडक्टिंग एबिलिटी ही क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी होता है पहली बात। दूसरी बात अब यहीं से देखिएगा, मैंने कहा कि हमारे पास मेटल्स के लिए ओम्स लॉ था। ठीक है, यहां से अगर मैं लेकर भी चलूं तो ये कैसे था आप लोगों का, मेटल्स के लिए ओम्स लॉ था। मेटल्स के लिए ओम्स लॉ क्या कहता था आप लोगों का, कि जे इज प्रोपोर्शनल टू, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, जे इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई। तो यहीं से सिंप्लीफाई होकर जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो ये बना था आपका जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। अब यहां पर ये जो सिग्मा निकल कर आया स्टूडेंट, यही हमारा क्या था, कंडक्टिविटी था। अब जबकि ये तो रिलेशन हमारा ऐसे था, यहीं से इसी रिलेशन से पहले की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो हमें एक बात पता है कि यहाँ जो जे है वो जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, धारा घनत्व को दिखा रहा है, जिसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि क्या होता है आपका, एन इंटू ई इंटू म्यू इंटू ई। ये हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी का धारा घनत्व जे का फॉर्मूला होता है। तो जरा कोरिलेट कीजिए दोनों बातों को, दोनों बातों को जरा आपस में जोड़िए। तो हमने एक बात देखी कि J बराबर सिग्मा इंटू ई, और J इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू म्यू और इंटू ई।
इसका मतलब ई अपनी जगह पर है, ठीक है, और बाकी जो आया है वो किसका वैल्यू है, आपका सिग्मा का वैल्यू है। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने कहा भी था कि हमारा जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है एन इंटू ई इंटू म्यू। तो कंडक्टिविटी और आप लोगों का जो क्या है मोबिलिटी है, उन दोनों के बीच कुछ ऐसा रिलेशन होता है। तो अब आप अपने इक्वेशन यहाँ से पहचान सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है किसका, कंडक्टिविटी का। तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का कौन सा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछता भी, मैंने इसी क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन भी एड ऑन करके दिखा दिए हैं कि जिस टाइप के क्वेश्चंस को और भी एग्जामिनर अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं स्टूडेंट, आपका पीसीआई की बात की है तो ये आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर का एक क्वेश्चन था। हमारे पास 2023 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कि हमारे से में पूछे गए हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के थे, ठीक है, कि द पीसीआई सपोर्ट्स द इंटरप्ट लाइन आर, कि पीसीआई जो होता आप लोगों का वो किस तरह की इंटरप्ट लाइन का सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि पीसीआई क्या होता है। कई स्टूडेंट को तो सबसे पहले ये डाउट एग्जामिनेशन के टाइम पर ही आ गया था कि सर यहाँ पर ये जो पीसीआई लिखा गया है ये होता क्या है, ये हमारा पीसीआई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले बात तो यही थी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की बात होगी कि ये किस तरह के इंटरप्ट लाइन को सपोर्ट करता है। तो पीसीआई होता है स्टूडेंट आप लोगों का पी फोर पेरीफेरल, सी फोर कंपोनेंट और आई फोर इंटरकनेक्ट। पेरीफेरल कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर या कंप्यूटर में बाहर से जुड़ती हैं। तो पीसीआई की फुल फॉर्म सबसे पहले हमने क्या कही स्टूडेंट, ये होता आप लोगों का पेरीफेरल, ठीक है, और फिर बात आई आपकी कंपोनेंट, तो पेरीफेरल कंपोनेंट और आई होता आप लोगों का इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया स्टूडेंट कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है, तो ठीक है। अब बात आती है आगे की कि ये होता क्या है, ठीक है, ये तो फुल फॉर्म थी इसकी, ये हमारी जनरली क्या होती है स्टूडेंट आप लोगों की, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर में एक लोकल बस होती है, ठीक है। अब बस क्या होता है, बस होता है पैरेलल वायर्स का ग्रुप। लोकल बस होती है स्टूडेंट आपकी जो कि हमारा क्या करता है कि जो भी हमारी बाहर एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के लिए। तो यहां से हमने कहा भी कि जो भी अपना क्या है एक्सटर्नल हार्डवेयर है, ठीक है, उस एक्सटर्नल हार्डवेयर को क्या करवाना है स्टूडेंट आप लोगों का, इस एक्सटर्नल हार्डवेयर को कनेक्ट कराना है, कनेक्ट टू, ठीक है, इसको कहाँ कनेक्ट कराना आप लोगों का, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर में इसको क्या करवाना आपको, कनेक्ट करवाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है फिर मैं अपने मेजर क्वेश्चन पर आता हूँ, ये किस तरह की इंटरप्ट लाइंस को सपोर्ट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोगों का, ये हमारी किस तरह की लाइन को सपोर्ट करता है, लेवल सेंसिटिव लाइन या लेवल ट्रिगर्ड लाइन को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये किस तरह के इंटरप्ट को सपोर्ट करता है आप लोगों का, लेवल ट्रिगर्ड या फिर यहाँ लिखा भी आप लोगों का लेवल सेंसिटिव लाइन को सपोर्ट करता है। तो पीसीआई के लिए ये भी बात याद रखिएगा कि पीसीआई की बात को अगर मैं लेकर भी चलता हूँ तो मैंने क्या कहा कि ये किसको सपोर्ट करता है आप लोगों का, ये जनरल सपोर्ट करता है स्टूडेंट आप लोगों का लेवल सेंसिटिव, ठीक है, इंटरप्ट लाइन्स को, ठीक है, ये किसको सपोर्ट करता है, लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट लाइंस को ये सपोर्ट करता है। तो लेवल सेंसिटिव कहने का मतलब आप लोगों का कि किसको सपोर्ट कर रहा है आपका, लेवल ट्रिगर्ड लाइंस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दैट इज ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो था वो क्या था आपका, ऑप्शन सी था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का आपका माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के एग्जामिनेशन में भी था, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहें, समझते रहें और नोट डाउन जरूर करते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को आगे भी एग्जामिनेशन में रिलेट करते हुए पूछी जा सकती हैं, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट आप लोगों का, ये टॉपिक आप लोगों को माइक्रो कंट्रोलर में मैं लगभग हर बार पढ़ाता भी हूँ, RS232, ठीक है, ये एक सीरियल कनेक्टर या सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होता है, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ बात की RS-232, जिसमें सबसे पहली बात मैंने यहाँ से आपसे कही भी कि RS का मतलब क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, तो ये होता है रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ठीक, तो ये होता है RS रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ठीक, तो ये तो आ गया आपका RS, ठीक। अब RS-232 के लिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीरियल कनेक्टर बस हैज कितनी पिन्स होती हैं, 29 पिन इसमें होती हैं या 32 होती हैं, 25 होती हैं या फिर 36 होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि कितने पिन यहाँ पर होते हैं, ठीक है, बताएं फटाफट से। ये हमने क्या कहा कि RS-232 की बात की है, जिसमें हमने साफ साफ देखा कि RS का मतलब क्या आपका रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ठीक। हमने मैंने पहले भी कहा जब आपको माइक्रो कंट्रोलर में भी ये बात पढ़ाई होगी कि यहाँ से जब हम देखते भी कि RS-232 की जब हमने बात की थी तो ये हम क्या होता है हमारा ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लिखता भी हूँ तो हमने क्या कहा यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, ये किस चीज के लिए यूज होता है आप लोगों का, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। अब बात आती है कि सर यहाँ पर पिन्स कितने होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारा क्या होता है 25 पिन्स का कनेक्टर होता है, 25 पिन का ये क्या होता है हमारा कनेक्टर होता है, ठीक है। लगभग शेप की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी आकृति की लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको लेकर भी चलता हूँ, इसकी शेप को अगर मैं देखता भी हूँ, मैंने कहा कुछ इस तरह से ये दिखेगा, देखते रहे हैं, यहाँ हमने क्या कहा ये कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, ये कुछ इस तरह का बॉडी इसका होता है, 25 पिन का ये कनेक्टर होता है, ध्यान से देखें, ये कुछ इस तरह से मैंने इसका शेप भी बना दिया, ठीक है। अब 25 पिन का कनेक्टर होता है कुछ ऐसे बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और 13, 13 ऊपर होते हैं और 12 नीचे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये कुछ इस तरह का ये RS-232 आप लोगों का कनेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि इसमें आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि ये हमारे कितने पिन होते हैं, इसमें 25 पिन आपकी होती हैं, ये अंदर जो आप लोगों के दिख भी रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप लोगों का 25 पिन होती हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कनेक्टर होता है। तो आपको याद भी रखना है कि ये कितने पिन का कनेक्टर होता है आपका, 25 पिन का कनेक्टर होता है, जो कि आपका सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। RS का मतलब क्या आता है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड आता है। तो आपके जितने भी स्टूडेंट आप लोग UPMRC या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एग्जामिनेशन के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स लक्ष्य बैच में आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आपका हर एक सब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो रखा है, आपके बस कुछ सब्जेक्ट रिविजन में भी चल रहे हैं, रेगुलर आपके रिविजन भी चल रहा है, आपकी टेस्ट सीरीज PDF सब कुछ इस कोर्स में आपका अवेलेबल है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को इसमें डिटेल में पढ़ाया गया है। बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन EAD ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग डाउनलोड करें, वहाँ पर सर्च टैब में जाकर LAK अगर आप डालेंगे तो वहाँ लक्ष्य बैच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर भी करें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के साथ साथ रेगुलर अपना रिवीजन भी करते रहें, जो भी पॉइंट वीक लगे उस पॉइंट को बार बार पढ़ते रहें तब तक जब तक वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं होती। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट हम लोग, तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।